पानी आ रहा है, ये सब गुटखा खाया थूका वो चोक हो गया, अब जिन्होंने थूका वो साफ कर ले, नहीं तो पानी तो ऐसे ही आना है, है कि नहीं भाई? फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी मैं हूँ रेलवे स्टेशन पे, एक्चुअली अभी मैं हूँ भोपाल रेलवे स्टेशन पे, मैं जा रहा हूँ बेंगलोर। सो जर्नी आज स्टार्ट होने वाली अपनी जो ट्रेन है 12628 कर्नाटका एक्सप्रेस, जो कि भोपाल से निकलती है समथिंग 6:40 पे और बेंगलोर पहुँचाती है समथिंग 1 बजे। ये ट्रेन आती है दिल्ली से और यहाँ पे पहुँचने का जो ट्रेन का टाइम है वो है 6:40 मॉर्निंग में। सो मे बी 10 मिनट में ट्रेन आने वाली है, बिकॉज ऑफ समथिंग इसके पहले जो भोपाल है ना, इसके पहले एक छोटा सा स्टॉप है सूखी सवैया करके, वहाँ पे ट्रेन खड़ी हुई है। सो ये जो ट्रेन की जर्नी है अपनी होने वाली है, जो रूट फॉलो हम कर रहे हैं जिसमें कि भोपाल इटारसी मनवाड़ खंडवा होते हुए ये ट्रेन अपनी पहुँचेगी महाराष्ट्र क्रॉस करते हुए सीधा बेंगलोर। तो थोड़ी देर बाद जैसे ट्रेन आती है ट्रेन को बोर्ड करते हैं। टिकट मेरा कंफर्म नहीं है बिकॉज ऑफ मैंने विंडो टिकट लिया था जो कि 30 वेटिंग पे ख़त्म हो गया भाई, 30 वेटिंग थी तो टिकट कंफर्म नहीं हुआ। अब देखता हूँ कि रास्ते में कैसे जाना पड़ेगा, बट कोई नहीं, जाना तो है ही क्योंकि जाना मेरा अर्जेंट है। सो निकलते जैसे ट्रेन आती है, चलते ट्रेन के अंदर और दिखाता हूँ ट्रेन का व्यू। तो यार ट्रेन को तो डिस्प्ले कर दिया है, ये अपना ट्रेन नंबर है 12628। तो यहाँ पे तो एसी बोगी आने वाली है, जो स्लीपर है वो पीछे साइड है, तो चलते हैं पीछे साइड में। भी ट्रेन लग ही गई है, ट्रेन आ रही है यार, यही होनी चाहिए, बाकी देखते हैं। कर्नाटका एक्सप्रेस ही है वो भाई साहब, खींच के भरी है, जनरल बोगी है ये तो। यार अभी तो इसी पे बैठ जाता हूँ, S2 है जो ये डब्बा, इसमें सीट खाली का तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा क्योंकि यार गेट पे ही लोग इतने सारे बैठे हुए हैं, बट कोई नहीं, चलते अंदर फिर देखते हैं अंदर क्या व्यवस्था होती है। तो भाई अपनी ट्रेन फाइनली यहाँ से राइट टाइम पे बिल्कुल 6:40 पे यहाँ से निकल गई है। और अभी तो 2 दिन से यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, बट आज मौसम क्लियर है। तो अभी हम जो रेलवे स्टेशन क्रॉस करने वाले हैं वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, प्लस आप ये भी बोल सकते हैं कि जो बीचों प्राइवेट रेलवे स्टेशन हुए थे उनमें से एक है, तो जिसका नाम भी चेंज किया गया है। पहले इसका नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, अभी इसका हो गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। सो बस थोड़ी देर में वो रेलवे स्टेशन आने वाली है। ये है भाई वो रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन।
इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर उस वेट का वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि एक काफ़ी अच्छी लोकेशन, काफ़ी फेमस टूरिस्ट है। भाई हर जगह से यहाँ पे वाटरफॉल निकल रहे हैं, बरसात का सीजन है इस वजह से। आगे काफ़ी बड़ी एक नदी भी आने वाली है और काफ़ी अच्छे अच्छे सीनिक व्यू भी आने वाले हैं। वैसे यहाँ से बुधनी घाट स्टार्ट हुआ है और अभी हम डाउन साइड जा रहे हैं। आगे केव भी है और टनल भी है, काफ़ी सारी ये भी टनल आगे पड़ेंगी, बट आते टाइम का मुझे याद है, जाते टाइम का याद नहीं भाई कितने टनल है। पानी आ रहा है, ये सब गुटका खाया थूका वो चोक हो गया। अब जिन्होंने थूका वो साफ कर ले, नहीं तो पानी तो ऐसे ही आना है, है कि नहीं भाई? ये अभी आएगी जगह, अभी कहाँ आएगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कल अगर मैं ट्रेन से शाम को निकल जाता, अगर मेरी टिकट कन्फर्म होती तो ये शायद व्यू मुझे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अभी सुबह सुबह मिल रहा है।
है वन ऑफ द मोस्ट खूबसूरत ब्रिज जो कि इस घाट में पड़ता है। और मैंने मतलब मानसून के टाइम पे मैं भी शायद पहली या दूसरी बार ही देख रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे। आज देखते भाई उसमें कितना पानी का फ्लो है। तो अभी यहाँ सामने ना रेलवे की एक और लाइन चल रही है जो कि थर्ड लाइन है, उसका काम चल रहा है। था बुधनी घाट सेक्शन जो कि आगे थोड़ी और बचा हुआ है, उसके बाद एक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आएगी मेन यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है नर्मदा रिवर, जो कि नर्मदा नदी है वो आने वाली है। और विदाउट मानसून के सीज़न पे भी उसमें इतना ज़्यादा हाई फ्लो होता है कि मैं तो एक बार गया था मीन्स गर्मी के टाइम पे, तब भी काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लो था। और वन ऑफ द मोस्ट भाई मध्य प्रदेश की एक बड़ी नदी भी आप बोल सकते हो, और काफ़ी बड़ी नदी और क्लीन नदी में उसका नाम आता है। सो वो भी थोड़ी देर बाद आने वाली है। यहाँ पे टनल बन रही है, एक और टनल। यार थोड़ा और बुधरी घाट बचा है, इसके बाद खत्म ये वाला घाट सेक्शन। और एक और यार सभी से रिक्वेस्ट, जो लोग भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं खासकर गेट पे बैठ के या खिड़की पे बैठ के कहीं से भी ऐसे मीन्स घाट सेक्शन या फिर जंगल से या फिर किसी भी हिल स्टेशन से ट्रेन गुजरती है जब भी, तो प्लीज़ कचरा मत बाहर कर, क्योंकि आप जो भी कचरा यहाँ पर फेंकने जाते हो ना वो कचरा यहीं पर पड़ा रहता है, यहाँ पर कोई नहीं उठाने आने वाला। अगर आप कोई प्लेटफॉर्म पर या फिर रेल पर रेलवे की पटरियों में शहर के आसपास फेंकते हो तो फिर भी कोई चांस है कि वो साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। बट जो यहाँ पे कचरा आपने फेंका ना ये कभी क्लीन नहीं होगा, ये यहीं पे पड़ा रहेगा, यहाँ पे जो भी जीव जंतु है वो इन सब चीज़ों को खाएंगे और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। प्लस इतने हरे भरे माहौल को, इतना खूबसूरत जो एरिया है, इसको गंदा मत करो ना। ट्रेन में डस्टबिन है सब कुछ, उसको यूज करो। तो ये रिक्वेस्ट है यार, जो मतलब समझदार है उनको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, खासकर प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए कि भाई प्लास्टिक यहाँ पे मत फेंको, क्योंकि जो आप फेंक के गए वो यहाँ पे क्लीन करने के लिए
में भी कोई नहीं आने वाला, ये पड़ा रहेगा यहीं पे भी। और प्लास्टिक एक बार गिरा वो भाई 100 साल तक वहीं पे डला रहता, गलता तक नहीं गया। तो मैंने देखा रास्ते में ट्रेन में, आपने वीडियो में भी देखा होगा, कई लोग मिस खिड़की से या फिर गेट पे बैठ के कहीं से भी बॉटल थ्रो कर रहे हैं, है कि नहीं भाई? सही नहीं है, यहाँ पर नहीं फेंकना चाहिए भाई। फाइनली पार्क सेक्टर के नीचे आ गए हैं और कुछ देर बाद आने वाली है नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी। और जाने का जो रूट है इस सेक्शन के लिए, तो यहाँ से आने काफ़ी सारी टनल है, क्योंकि जो आप सामने काफ़ी ऊँची पहाड़ी देख रहे हैं इसको। तो दो दिन बाद राउंड शेप में अब इस राउंड शेप में ट्रेन जाती है और टनल के थ्रू पार करती है। और आने वाला है बुधनी रेलवे स्टेशन जो कि थोड़ी आगे है, और इसके बाद आएगी भाई नर्मदा नदी जो कि यहाँ की सबसे बड़ी नदी और एक प्रकार से सबसे मेन नदी भी मध्य प्रदेश की आप बोल सकते हो। आने वाली बुधनी घाट वाला वीडियो, जिसमें कि आपने बुधनी घाट सेक्शन देखा, साथ ही नर्मदा नदी भी देखी। और इस वाले वीडियो को एक सेपरेट रखते हैं, क्योंकि ये वाला सेक्शन मैं चाहता हूँ सेपरेट रहे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा बैंगलोर तक। तो ये वाला वीडियो यहीं तक रखते हैं। होपफुली ये वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी इसी ट्रैवल जर्नी का पार्ट है, जो कि सेकंड पार्ट है। वो आपको इटारसी से आगे तक की जो जर्नी है उसका मतलब पूरा व्यू मिलेगा आपको देखने के लिए। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।